अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम कंसल्टेंट डाइटिशियन सईदा रुखसार। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है पीसीओ, जिसको जो है मोस्ट कॉमनली जो है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के नाम से भी जो है जाना जाता है। तो पीसीओ की अगर बात करें तो पीसीओ जो है आजकल बहुत ज़्यादा जो है फीमेल्स के अंदर जो है वो हो रहा है। तो अगर इसकी रीज़न की तरफ चलें या किस वजह की तरफ से होता है या पीसीओ होता क्या है, सबसे पहले अगर हम मैं आपको बताऊँ कि पीसीओ होता क्या है, तो पीसीओ के अंदर ये होता है कि आपकी जो है ओवेरियस के अंदर स्मॉल सिस्ट न्यूमरस अमाउंट में, या जिसको आप फ्लूइड फिल्ड सैक भी जो है कह सकते हैं, वो जो है बनने लग जाते हैं। इसके जो है काफ़ी रीजंस हो सकते हैं। ये मोस्ट कॉमन है जेनेटिक्स में की अगर बात करें, तो अगर आपके फैमिली हिस्ट्री में किसी को था, मदर को सिस्टर को, तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि आपको भी जो है वो पीसीओएस हो सकता है। उसके अलावा उसके बाद अगर सेकेंड रीजन की तरफ चलें, तो हमारी बॉडी के अंदर जो है मेल सेक्स हारमोन्स की जो है प्रोडक्शन जो है बहुत एबनॉर्मल अमाउंट में अगर स्टार्ट हो जाए, तो तब भी जो है पीसीओएस जो है होने लग जाता है। मेल सेक्स हारमोन्स का मोस्ट कॉमन एंड्रोजेंस के नाम से जो है जाना जाता है। अगर उनकी अब नॉर्मल प्रोडक्शन हो गई है तो उससे भी जो है बहुत ज़्यादा ही चांसेस है कि आपको जो है पीसीओएस हो सकता है। उसके बाद अगर हम सिम्टम्स की तरफ चलें कि आपको कैसे पता लगेगा कि आपको जो है पीसीओएस जो है हो रहा है, सबसे जो मोस्ट कॉमन सिम्टम जो है जो एट द वेरी बिगिनिंग जो है जिससे पता लग जाता है कि पीसीओएस है, किससे होता है कि आपके जो है पीरियड्स के इश्यूज़ होने लग जाते हैं। इसके अंदर इरेगुलर मिस या लाइट पीरियड्स होने लग जाते हैं। उसके बाद यह है कि जैसे मैंने स्टार्ट में कहा कि मेल सेक्स हार्मोन की वजह से जो है हो रहा, तो उससे ये होता है कि एक्सेस जो है बॉडी हेयर जो है होने लग जाते हैं, वेट गेन होने लग जाता है, एक्ने ऑयली स्किन होने लग जाती है, हेयर थिनिंग हो जाती है, और इनफर्टिलिटी बहुत ज़्यादा जो है वो कॉमन होने लग जाती है। उसके बाद अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो मेडिकेशन से भी आप इसको ट्रीट करते हैं, थ्रू डाइट भी जो है आप इसको ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन फिर वही बात कि अगर आप मेडिकेशन से ट्रीट करेंगे वो इसको प्रिवेंट तो कर देगी, लेकिन इसको वो टोटली जो है वो क्योर बिल्कुल भी नहीं करेगी। तो एज ए न्यूट्रिशनिस्ट मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि अगर आप थ्रू डाइट जो है इसको ट्रीट करने के करें, तो इंशाल्लाह जो है आप पीसीओएस को बिल्कुल जो है वो ख़त्म जो है कर सकते हैं। तो अगर डाइट की बात करें तो आजकल जो होता है लड़कियां जो हैं खास तौर पर जो हैं वो ब्रेकफास्ट जो है वो स्किप कर देती हैं। सबसे पहले जो अगर आपको लगता है कि आपको पीसीओएस है या आपको डायग्नोज हो गया कि आपको पीसीओएस, सबसे पहले तो आपने ये ट्राई करना है कि अपना मील जो है वो कोई भी जो है स्किप नहीं करना, और ख़ासतौर पर ब्रेकफास्ट तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। आप ट्राई करें कि आप डेली जो है 4 to 5 times जो है मील लें, और हर मील के बाद ट्राई करें कि कुछ ना कुछ स्नैक जो है अपनी जो है मील के बाद जो है ऐड कर लें। उसके बाद ये कि आपने ट्राई करना है कि आप पोर्शन साइज़ कंट्रोल करें, हर अपने डेली जो आप अभी खा रहे हैं हर फूड ग्रुप को जो है आप अपनी डाइट के अंदर ऐड करें, जिसके अंदर फ्रूट्स आ जाते हैं, वेजिटेबल्स आ जाते हैं, ग्रीन्स, प्रोटीन्स, डेयरी और फैट आ जाता है। अच्छा, अगर फैट की बात करें तो आपने ये ट्राई करना है कि आप हेल्दी फैट कंज्यूम करें, जिसके अंदर आप जो है ऑलिव ऑयल जो है वो यूज़ कर सकते हैं या कैनोला ऑयल जो है आप यूज़ कर सकते हैं। आपने ये ट्राई करना है कि जितना भी अनहेल्दी फैट है, जिसके अंदर घी आ जाता है, बटर है, ऐसी जो भी अनहेल्दी फैट्स है, आपने बिल्कुल जो है उनको डाइट से बिल्कुल जो है इमिट कर देना। उसके बाद अगर प्रोटीन्स की बात करें तो आपने ट्राई करना कि आप लीन मीट जो है अपनी डाइट के अंदर ऐड करें, उसके अलावा फ़िश को जो है ऐड करें, और अगर प्रोटीन्स की बात की जाए तो बीन्स और लेंटिल्स भी जो है हाई उसके अंदर कंटेंट जो है प्रोटीन का जो है पाया जाता है। तो अगर आप इन चीज़ों को जो है अपनी डाइट के अंदर ऐड कर देंगे तो आप पीसीओएस को जो है प्रिवेंट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप जितने भी बेवरेजेस हैं, अगर उसके अंदर आप वाटर की अपनी अमाउंट को जो है बहुत ज़्यादा कर दें, जो ऑलमोस्ट जो जनरली रिकमेंडेड अमाउंट होती है वो ये होती है कि आपने जो है डेली जो है 7 to 8 glasses जो है वाटर जो है पीना, लेकिन अगर आप इसके अमाउंट थोड़ा सा ज़्यादा कर देंगे, कम नहीं ज़्यादा कर देंगे, तो आप जो है उससे भी जो है आपको पीसीओएस को जो है आप प्रिवेंट कर सकते हैं। और ये कि आपने ये ट्राई करना है कि आप नो फैट या फैट फ्री डेयरी ये जो मिल्क है वो अपने डाइट के अंदर कंज्यूम करें। तो ये तो कुछ वो चीज़ें थी जिनसे जो है आप जो है आपको खानी चाहिए अगर आपको पीसीओएस है, तो उसे आपको ट्रीट कर सकते हैं। जब ऐसे काफ़ी फूड ऐसे भी हैं जिनको जो है आपने बिल्कुल जो है अपन डाइट से जो है ख़त्म कर देना। सबसे पहले तो इसके अंदर जो आते हैं वो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं, जिसके अंदर जो है मोस्ट कॉमन जो है वाइट ब्रेड आती है। आपने अपनी डाइट से वाइट ब्रेड को जो है बिल्कुल भी ख़त्म कर देना, और वाइट ब्रेड की जगह आप ब्राउन ब्रेड यूज़ कर सकते हैं या ब्राउन ब्रेड जो है अपनी डाइट के अंदर ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा जितने भी बेवरेजेस हैं, शुगरी ड्रिंक्स हैं, स्नैक्स हैं, उनको जो है आपने बिल्कुल अपनी डाइट से जो है इमिट कर देना। उसको एट द एंड जो है जितने भी प्रोसेस्ड फूड है, फ्राइड फूड है, या रेड मीट है, या जितने भी इन्फ्लेमेटरी फूड्स हैं, आपने उनको जो है अपनी डाइट से जो है ख़त्म कर देना। और एट द एंड मैं आपको ये कहूँगी कि पीसीओएस की वजह से आपको जो है काफ़ी जो है डिजीज़ उससे और भी लिंक करके आपको जो है हो सकती है। इसके अंदर काफ़ी मोस्ट कॉमनली है कि आपको डायबिटीज़ हो सकता है, ब्लड प्रेशर का इशू हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल का इशू हो सकता है, या वेट गेन या ओबेसिटी जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो हो सकती है। क्योंकि जैसे मैंने सिम्टम्स बताया कि वेट
स्किन बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। तो अगर डाइट भी अगर आप अच्छी कर लें, उसके अलावा अगर आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी को बहुत ज़्यादा कर लें, तो उसके लिए मैं ये रिकमेंड करूँगी अगर डेली आप 15 मिनट्स तक की जो है वॉक भी अगर कर लेंगे तो वो भी इनफ होगी आपके वेट को जो है कंट्रोल करने में, पीसीओएस को जो है प्रिवेंट करने में। होप्स हो कि आप जो है इन सब जो है गाइडलाइंस मैंने प्रोवाइड की हैं रिलेटेड टू फूड डाइट अकॉर्डिंग टू पीसीओएस, अगर आप वो फॉलो करेंगे तो आप पीसीओएस को जो है वो प्रिवेंट जो है वो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।